सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए साल 2002 चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में बताने वाले। दोस्तों, इस मैच में कुछ ऐसी घटना हुई थी वो इतिहास बन गई। इस मैच में जब भारत के 261 रनों के जवाब में टीम अफ्रीका का स्कोर 192 रन पर एक विकेट था, तो फिर इस बल्लेबाज ने गेंदबाजी से भी इस मैच में कहर डाला और इस मैच को भारतीय झोली में डाल दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे 25 सितंबर 2002 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 261 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। जवाब में उतरी साउथ अफ्रीकी टीम का स्कोर 48 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 192 रन था। हर्शल गिब्स ने इस मैच में 119 गेंदों पर 116 रन बनाए, लेकिन वो बाद में रिटायर हर्ट हो गए और उसके बाद जैक कैलिस ने भी 57 रन की पारी खेली थी। इसके बाद मानो साउथ अफ्रीका टीम की पारी लड़खड़ा गई। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 5 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका को 50 ओवर में 251 रनों पर रोक लिया। भारत ने मुकाबला 10 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने 2002 चैंपियन ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका को एक ऐतिहासिक हार का सामना कराया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत में कभी वनडे सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।